हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ, और यूनिट हमारी सेकेंड चल रही है। ठीक है, यूनिट सेकेंड कैसे चल रही है तो समझेंगे यहाँ पे से। तो आपके जो है पेपर दो खंड में बटा हुआ है। पहले खंड में 4 यूनिट और दूसरे खंड में 4 यूनिट, 6 यूनिट, तो टोटल मिला के 10 यूनिट हो रही है। तो इस क्रम में हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट को हम समाप्त कर चुके हैं, दूसरा पार्ट अब हमारा चल रहा है और इसमें भी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही है। प्रश्न संख्या फोर्थ है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले समझेंगे प्रश्न की फीलिंग को। प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, प्रश्न जो है आपसे क्या कहना चाह रहा है और हमें इसे किस प्रकार लिखना होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्न को। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। ये कह रहा है हॉब्स की संप्रभुता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, हॉब्स की जो संप्रभुता की अवधारणा थी उसकी हमें विवेचना की है, करनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे आप, सीधे जाकर ये हेडिंग डालना चाहें इतना, आपकी संप्रभुता की अवधारणा। ठीक है, ये हेडिंग डाल सकते हैं, वरना पहले यहाँ से शुरू करते हैं, हो सकता है आगे शायद पड़ी हो आपकी हेडिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। हॉब्स राज्य को आप, ठीक है, कैसा अपरिमित संप्रभुता। ठीक है, कैसी अपरिमित संप्रभुता प्रदान करता है। ठीक है, और उसके अनुसार व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों, ठीक है, सभी कंडीशंस में राज्य के आदेशों का क्या करना, पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, संप्रभु, ठीक है, संप्रभु शासक की शक्ति असीम है। ठीक है, असीम है यानी कि फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, ठीक है, संविधान प्राकृतिक, ठीक है, संविधान हो गया, प्राकृतिक विधियां हो गई यानी प्राकृतिक कानून हो गए। ठीक है, विधियां मतलब कानून। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें। ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां हो गई, इनका कोई भी प्रतिबंध नहीं है। संप्रभु स्वयं अपने विवेक से ही पथ प्रदर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, स्वयं अपने माइंड से ही क्या करता है, पथ प्रदर्शन प्राप्त करता है। संप्रभु शासक का कोई कार्य कैसा अवैधानिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं समस्त विधियों का स्रोत है। कैसा, स्वयं सभी विधियों का क्या है, स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। उसके द्वारा निर्मित विधियां प्रथा के आचरण को कैसा नियमित करने के लिए ही है। ठीक है, विधियों की व्याख्या करने का कार्य, ठीक है, विधियों की व्याख्या करने का कार्य भी संप्रभु कार्य है। ठीक है, कैसा कार्य है, संप्रभु कार्य है। जो व्याख्या वह करता है, ठीक है, जो व्याख्या वह करता है वह आवश्यक रूप से उचित है। कैसी है, आवश्यक रूप से उचित है। संप्रभु शासक के समक्ष व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, वह जो चाहे अधिकार प्रजा को दे सकता है और उन्हें जब चाहे तब छीन सकता है। हॉब्स के द्वारा संप्रभु को प्रजा पर, ठीक है, संप्रभु को प्रजा पर अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कर लगाने, कर यानी कि टैक्स लगाने का भी पूर्ण अधिकार दिया गया है। ठीक है, संप्रभु के आंतरिक, ठीक है, आंतरिक क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्र है। कैसा, इंटरनल क्षेत्र में, इंटरनल फील्ड में भी कैसा है, कैसा है, इंटरनल फील्ड में स्वतंत्र है, फ्री है। वह जब चाहे तब युद्ध की घोषणा कर सकता है, ठीक है, और जब चाहे तब संधि करके शांति स्थापित कर सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, संप्रभु की शक्ति का प्रतिपादन करने के साथ, ठीक है, संप्रभु की शक्ति का प्रतिपादन करने के साथ साथ उसके संप्रभु शासक के कर्तव्य या उत्तरदायित्व, ठीक है, कर्तव्य या उत्तरदायित्व बाहरी और आंतरिक, कैसे, बाहरी यानी कि एक्सटर्नल और आंतरिक यानी इंटरनल, आक्रमण यानी कि आपके युद्ध है ना, आक्रमण से प्रजा की, ठीक है, किसकी, प्रजा की, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना और राज्य में शांति तथा व्यवस्था, ठीक है, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। वह प्रजा को यह अधिकार देता है कि यदि शासक प्रजा के प्रति इस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो प्रजा, ठीक है, प्रजा राजा की अवहेलना कर सकती है। ठीक है, राजा की अवहेलना कर सकती है, प्रजा द्वारा, अवहेलना मतलब बुराई एक प्रकार से। ठीक है, प्रजा शासक के सम्मुख समर्पण अपने जीवन की रक्षा के अधिकार के लिए किया गया है। ठीक है, और वे
अपने इस अधिकार को शासक के विरुद्ध, ठीक है, शासक के विरुद्ध सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, शासक के विरुद्ध क्या करते हैं, इसे सुरक्षित रखते हैं। अब आगे बात करें, इसीलिए वह, ठीक है, इसीलिए वह प्रत्येक मनुष्य को राजा की अवज्ञा, ठीक है, राजा की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। ठीक है, राजा की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। यदि राजा उसे अपने आप को मारने, घायल करने, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले का विरोध न करने अथवा वायु, ठीक है, वायु औषधियां ऐसी किसी वस्तु का सेवन ना करने जिसके बिना वह जीवित ही, ठीक है, ना रह सके, जिसके बिना क्या, वह जीवित ही ना रह सके की आज्ञा देती। ठीक है, व्यक्ति आत्मरक्षा में राजा की आज्ञाओं, ठीक है, आत्मरक्षा यानी कि अपनी खुद की रक्षाओं में राजा की, ठीक है, राजा की आज्ञाओं की अवहेलना क्या कर सकता है, अवहेलना कर सकता है। ठीक है, उसे, ठीक है, जिससे उसके जीवन का खतरा है। ठीक है, जिससे उसके जीवन का क्या हो, खतरा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। तो आगे जाने अपने इसी विचार के कारण, ठीक है, अपने इसी विचार के कारण हॉब्स निरंकुश शासन के प्रतिपादन के साथ साथ सबसे बड़ा व्यक्तिवादी भी क्या होता है, बन जाता है। हॉब्स के समझौते के संबंध में एक विशेष बात यह है, क्या है इसकी एक विशेष बात, ठीक है, एक विशेष बात यह है कि हॉब्स, ठीक है, कि हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राजा का नहीं, ठीक है, हॉब्स का सिद्धांत जो है निरंकुश राजा का नहीं बल्कि निरंकुश राज्य का है। किसका, निरंकुश राज्य का है, ना कि निरंकुश राजा का। ठीक है, हॉब्स की विचारधारा के अनुसार राजतंत्र, कुलीन तंत्र या गणतंत्र किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था उचित है। ठीक है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या गणतंत्र, ये सभी व्यवस्था क्या है, उचित है। क्यों है, क्योंकि जहां तक मनुष्य के हित का संबंध है प्राकृतिक अवस्था की अराजकता की अपेक्षा किसी भी प्रकार की वह सरकार अच्छी है। ठीक है, जिसमें शांति तथा व्यवस्था कायम करने का सामर्थ्य हो। ठीक है, इसी प्रकार हॉब्स अपने सामाजिक अनुबंध के आधार पर निरंकुश, ठीक है, सामाजिक अनुबंध के आधार पर निरंकुश होगा दोस्तों, यहाँ पर निरंकु नहीं होगा, यहाँ पर सा थोड़ा आपका मिट गया है। ठीक है, इतना आप सभी समझदार हैं, निरंकुश, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन तो करता है किंतु इसके द्वारा व्यक्ति को, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन की आत्मरक्षा का, ठीक है, अपने जीवन की आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्तिवादी भी बना देता है। ठीक है, अपने जीवन की आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्तिवादी भी बना देता है ना। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया। अब प्रश्न समाप्त होते ही आपको पता है क्या करना होता है, कि जितना मैंने आपको बताया है वो आपको सभी का सभी पूरा का पूरा रिवाइज करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, रिवाइज। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया मैंने आपको, कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है ये, इसे क्या करना है आपको, जैसी स्पीड आपको क्या लगे, सफिशियंट लगे, अपनी सफिशियंट स्पीड में आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अपनी सफिशियंट स्पीड लगाकर और एक बार में फटाक से रिवाइज कर देना है। क्योंकि देखिए, आपने अभी अपना समय दिया है इस वीडियो के लिए, वो समय आपका तभी उपयोगी होगा, आप एक बार फिर इसे रिवाइज कर लेंगे जैसी आपको सफिशियंट स्पीड लगे। ठीक है, उस स्पीड में आपको, देखिए, रिवाइज करने का सबसे बढ़िया ये फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपने जितना अभी पढ़ा है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब जब आप अपने एग्जाम में बैठकर प्रश्न को लिखेंगे तो एकदम लाइन वाइज लाइन पूरा लिख डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप क्या करेंगे, अब इसे रिवाइज भी कर लेंगे। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा था, फोर्थ था। ठीक है, ये कौन सा था, फोर्थ था, और फोर्थ क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे मिलेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।